आवत्या राष्ट्र भर रामलाई टीका दिए आवत्या होइन अयोध्याका लागि दिए भने मात्र अयोध्या भनेको बिन्दुभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो भोसडी के मदर चौक बहन के लड़ाई राम राम साहब जी, कैसे हैं आप? मैं बड़ा खुश हूँ आजकल, पता है आपको क्यों? नहीं। क्योंकि जब से मुझे पता चला है राम जी हमारे भगवान है, मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था राम जी हमारे यहाँ पैदा हुए थे। मुझे तो लगता था राम जी परदेसी है, परदेस में पैदा हुए थे इंडिया के अंदर। हमारे पास तो भगवान जी की कोनो इतनी वैरायटी थी ही नहीं। अब राम जी हमारे पाले में आ गए तो मैं बड़ा खुश हूँ, है ना साहब जी? मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। पर साहब जी मुझे एक बात ना समझ नहीं आ रही, जब राम जी भारत के है ही नहीं तो भारत वाले अयोध्या की जन्मभूमि को लेकर इतना लड़ते क्यों रहे कि मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे? मतलब बताओ हमारे मुस्लिम भाइयों की जिन्होंने बाबरी मस्जिद भी छीन ली, तो बाबरी के जितनी बाबरे हो गए हमारे बेचारे भाई लोग। वैसे अब तो भगवान राम जी को भी NRC वाले डॉक्यूमेंट दिखाने हो गए ना साहब जी। साहब जी आपका खेल समझ गया हूँ मैं, साहब जी NRC के डॉक्यूमेंट दिखवाओगे आप सबको? वैसे साहब जी मैं सोच रहा हूँ कि भगवान राम जी ने हमारे यहाँ के मोमोज खाए होंगे, 30 रुपए वेज, 40 रुपए नॉन वेज। नॉन वेज तो नहीं खाते होंगे वो, है ना, लेकिन उन्होंने मेयोनेज़ और लाल चटनी के साथ तो खाए होंगे, है ना? तो लाल चटनी चटनी की साहब जी बात करते हो ना, मुँह में पानी आया था साहब जी। और मुझे मूवी भी याद आ रही 3 डेट्स वाली, चटनी की क्या सही एक्सप्लेनेशन दी उन्होंने साहब जी। वैसे आप सोच रहे होंगे मैं चौकीदार क्यों बनाऊँ? साहब जी सारे इंडिया वाले ऐसे ही करते हैं, जब भी किसी नेपाली को देखते हैं ना उनको चौकीदार बना देते हैं। तो मैंने सोचा कि चौकीदार बन के आपको बात कहते हुए अपनी। अरे मोजी राम राम, क्या मंदिर वही बनाएंगे नेपाल में? ओके साहब जी।